अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दार एजुकेशन के एडवांस एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो काम करेंगे वो है वी लुकअप्स के ऊपर। लुकअप्स क्या चीज होती है? दो तरह के लुकअप्स होते हैं, एक वी लुकअप्स कहलाते हैं, एक एच लुकअप्स है। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल वन लुकअप्स। अब उसके लिए समझने के लिए हम अपनी एक शीट ले रहे हैं, जो आपको एक्सरसाइज शीट आपको अवेलेबल भी कर दी जाएगी। लेट्स सपोज आप देखेंगे हमारे पास एक फाइल है। लेट्स सपोज एम्प्लॉई नेम है, बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, स्टेटस है, उसकी एक सैलरी है। लास्ट टाइम पे हमने उसका एक बोनस वगैरह बना लिया था, ये उसी की फर्दर एडिशन है। हमने उसकी न्यू सैलरी ले ली थी कि समझने के हमने उसका कहा था कि 2.91% इंक्रीमेंट हो जाएगी। सिर्फ किसकी इंक्रीमेंट होगी? जिनकी जॉब रेटिंग फॉर एग्जाम्पल 4 थी या जो भी थी, राउंड अप हमने कर दिया और हमने उसके ऊपर लगा लगू के सारा कुछ। हमारा अब ये सिलसिला है कि जिस तरह सैलरी रेंजेस होती हैं, अगर गवर्नमेंट के आप स्लॉट्स देखें तो हर एक के डिफरेंट रेंज के ऊपर टैक्स इनेबल किया जाता है, हर एक का एक जैसा नहीं लगाया जाता। अब जैसे हमारे पास गवर्नमेंट के लुकअप्स दिए गए हैं कि अगर किसी की सैलरी रेंज 5000 तक होगी तो उसका डिडक्शन 1% होगी, 25000 रुपये पे 5%, 35000 रुपये पे 6%, 45000 के ऊपर 7%, 55000 पे 8%, इस तरीके से एक लिस्ट है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? अगर हमने हर एक पे फार्मूला लगा दिया, अमाउंट बढ़ गई या चीज कर दी, हम हर एक के ऊपर नहीं लगा सकते। ये एक वर्टिकल पोजीशन में थी जिसमें दो कॉलम्स थे, जरूरी नहीं कि दो कॉलम्स हो सकता है तीन कॉलम्स हो, लेकिन एक कॉलम से ऊपर हो। दो कॉलम हो सकते हैं, तीन कॉलम, 10 कॉलम भी हो सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लुकअप्स है और एक आपके हॉरिजेंटल। इसमें आपकी हॉरिजेंटल लाइन में आपका दिया गया है, फर्क कोई नहीं है, लेकिन हमने देखना है कि डाटा, अगर आपने इंफॉर्मेशन दी जैसे ये नजर आ रही होगी आपको, तो सैलरी कुछ इस तरीके से, यानी 15000 है तो 1%, 0.8%, 0.6%, 0.5%, 0.4%, 0.2%, अपने आप आपकी सैलरी रेंजेस दी गई हैं। यहाँ पे आपने इसको देख रहे हैं तो मुख्तलिफ सैलरी रेंजेस हैं, उनके ऊपर टैक्स की शरह डिफरेंट हिसाब से डिफरेंट के ऊपर काम करेगी। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है वी लुकअप्स। आपने क्या करना है कि टैक्स रेट आपने लेना है, इज इक्वल टू डालना है, और जैसे ही आप वी लुकअप करेंगे तो अपने आप वी लुकअप आ जाए। वी लुकअप के अंदर तीन चीजें, सबसे पहले आपने देखना है लुकअप वैल्यू। जिस लुकअप वैल्यू को आपने चेक करना है शीट के अंदर, वो आपने लेनी है। जैसे ये मेरी सैलरी है, मैंने J2 कर दी, उसके बाद आपने देना है कॉमा। अब वो टेबल ऑफ अरे जिसके ऊपर आपने फंक्शनैलिटी फ्राहम करनी है, वो सारी की सारी आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे ये मेरी सिलेक्ट हो गई, अगला आपने कॉमा डाला, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी इसके अंदर आप देखेंगे तो कितने कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो आपने जितने कॉलम है वो आपने दे देने, ये एंटर। आपने देखा कि 61000 जो फॉल करता है किस कैटेगरी में फॉल करता है, 8% की कैटेगरी में फॉल करता है। आप इसको फार्मूला याद होगा, मैंने डबल क्लिक करना बताया था आपको, डबल क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज कवर हो गई। एक तो ये चीज थी, अगर आप देखेंगे तो आपने डबल क्लिक किया तो ये सारे नॉट एप्लीकेबल आ गए। उसकी वजह, ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर आप गौर करें इधर देखें तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं ये इधर से निकल रही है, तो हमने इसको फिक्स करना है। तो वो आपको मैंने क्या बताया था कि डॉलर साइन लगाते हैं, इसमें क्या होगा डॉलर साइन में, डॉलर साइन में कौन सी चीज फिक्स रह रही आपके, आपने इसको जो हमने पढ़ा था फिक्स रेफरेंस पढ़ा था, तो हमें क्या करना है कि हमें ये चाह रहे हैं कि कॉलम नेम भी वही रहे और पोजीशन भी वही रहे, तो हमें इसके साथ साथ डॉलर साइन देना होगा।
अब आप लगाएंगे तो फार्मूला आपका से, तो सारी चीजें आपस में मर्ज होके ये चार्म चलते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडे।